इधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद के विवादास्पद बयान को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद के बयानों के पीछे अखिलेश यादव की मंशा को बताया, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विपक्ष के आगमन पर भी तंज कसा है। आना चाहते हैं, हिंदुओं का अपमान भी कराना चाहते हैं और नसीहत भी देना चाहते हैं, तो दोनों चीजें नहीं चली। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मुझे लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। आखिरी सवाल सर, डिंपल यादव ने आज कहा है कि 22 जनवरी का अगर उनको न्योता नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो आएंगी जरूर, अगर नहीं मिलेगा तो 22 जनवरी के बाद आएंगे। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से जो निमंत्रण जा रहा है, ये काम सरकार का नहीं है, वह ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट जिनको आमंत्रित करना होगा आमंत्रित करेगा, अगर उनको आमंत्रण जाएगा वो आएंगी, तो या उनका और ट्रस्ट का विषय। पूरा विपक्ष चाहता है कि कार्यक्रम में हिस्सा ले। देखिए, कोई चाहना अलग बात है, एक तरफ भगवान के राम के भक्तों पर गोली चलाओगे, उनको जेल भेजोगे, उन पर लाठी चलाओगे, भगवान राम को काल्पनिक बताओगे, और दूसरी तरफ सब आना भी चाहोगे। कोई आना चाहता है भारत सरकार के नाते, पार्टी के नाते हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर विवादास्पद बयान को लेकर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए कानून बनना चाहिए। थे जब मलाई खा रहे थे तब धर्म नहीं याद आ रहा था, मलाई से हट गए हैं जब सत्ता में थे, चाहे वो बसपा में रहे हों और चाहे भाजपा में रहे हों। सत्ता में रहे तब धर्म याद आ रहा था, सत्ता से बाहर हो गए, अधर्मी लोगों के खिलाफ कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बड़ी खबर है कि भारतीय